हाय फ्रेंड्स, एक बारी और आस्था और विश्वास का एविडेंस, मानो तो पत्थर मानो तो भगवान। 2012 और 13 के जब प्रलय आया था तो 150 माइल्स पर आवर ये पूरी शिला नीचे ऊपर ग्लेशियर से नीचे हाई स्पीड पे आई थी। माना जाता है कि इस शिला का रेप्लिकेशन कोई पत्थर वहां पे नहीं है। अगर हम इस शिला के आर्किटेक्चर देखें, जिसने प्रोटेक्ट किया था इस केदारनाथ के मंदिर को, स्पैन देखिए और आर्किटेक्चर देखिए, जब 250 मील पर आवर पे पानी नीचे आ रहा था तो इस पत्थर ने उसको पानी को ऊपर फेंका और मंदिर के ठंडे तक ऊपर चला गया। और साइड से अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे 10 फुट, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 फुट। आर्किटेक्चरली, साइंटिफिकली दिस विल बी प्रूवन दैट द पत्थर स्टेड हियर बिकॉज इट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द टेम्पल। माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु खुद उतरे थे धरती पे, क्योंकि ऐसा पत्थर कहीं पे भी ग्लेशियर में अवेलेबल नहीं है, इस स्पैन का, इस हाइट का। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो यहीं पे आके क्यों टिका? ये पत्थर तोड़ सकता था केदारनाथ के मंदिर को, लेकिन विश्वास जगाने के लिए, विश्वास की आस्था कायम रखने के लिए विष्णु और शिव ने फिर अपना चमत्कार दिखाया। यही बोलूंगा, हर हर महादेव। मानो तो मंदिर, ना मानो तो पत्थर।